दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अपवर्क के ऊपर 40 कनेक्ट फ्री में कैसे अर्न किए जाते हैं, साथ ही साथ अपवर्क की प्रोफाइल को 100% कैसे कंप्लीट किया जाए विदाउट एनी सर्टिफिकेशन एंड विदाउट हैविंग एनी पोर्टफोलियो। जी हाँ, अगर आप लोगों के पास कोई सर्टिफिकेशन नहीं है और साथ ही साथ ना ही आप लोगों के पास कोई पोर्टफोलियो है, कोई पास्ट का वर्क नहीं है दिखाने के लिए, तो आप लोग प्रोफाइल को 100% कैसे कंप्लीट करेंगे, आज की इस वीडियो में हम पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंद्र वशिष्ठ और स्वागत है आप सभी का वशिष्ठ टेक टॉक में। गाइज, पहली बात तो ये कि मैंने अपने चैनल का नाम चेंज कर दिया है। ये पहले वशिष्ठ गुरु होता था, तो बहुत से लोगों को दिक्कत आ रही थी मेरा चैनल फाइंड सर्च करने में, तो लोग कहते थे कि सर आपका चैनल तो मिल नहीं पाता, तो इसलिए मैंने इसका नाम चेंज कर दिया। और अगर आप लोग अब यूट्यूब पे नॉर्मली सर्च करोगे वशिष्ठ टेक टॉक, तो आप लोगों को सबसे पहले मेरा चैनल ही मिलेगा। गाइज, जैसा कि मैंने कहा कि आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे आप लोग अपवर्क के ऊपर 43 कनेक्ट जीत सकते हो, साथ ही साथ कैसे आप अपवर्क पे अपनी प्रोफाइल को 100% कंप्लीट कर सकते हो। ये बेसिकली मेरी अपवर्क सीरीज की थर्ड वीडियो है। पहली वीडियो में मैंने बताया था कि अपवर्क के ऊपर अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है, और अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी, आप लोगों को अभी तक पता नहीं है कि अपवर्क के ऊपर अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, आप वहां पर जाकर आप वीडियो को चेक कर सकते हो और उस वीडियो को फॉलो करके आप लोग अपवर्क के ऊपर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। सेकेंड वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि अपवर्क के ऊपर अपनी प्रोफाइल को कैसे उसमें चेंजिंग किए जाते हैं, कैसे उसमें स्किल्स ऐड किए जाते हैं, साथ ही साथ कैसे आप लोग वहां पर बिड कर सकते हो, जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, कौन सा वो तरीका है, बेस्ट वे है जिसको यूज़ करके आप लोग अपवर्क के ऊपर बिडिंग कर सकते हो और अच्छे प्रोजेक्ट विन कर सकते हो। उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आई बटन पे भी वीडियो का लिंक आ रहा होगा, आप वहां पर जाके भी चेक कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैसे अपवर्क की प्रोफाइल को कंप्लीट किया जाता है 100% तक, और साथ ही साथ कैसे आप लोग फ्री में यहाँ पर कुछ कनेक्ट जीत सकते हो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं और आप लोगों का ऑनलाइन अर्निंग में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। गाइज, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फिर बाद में आप भूल जाते हो, बिकॉज 92% एक एनालिसिस जो मैंने देखा था एनालिटिक्स के हिसाब से, 92% ऐसे यूज़र है जो मेरे ऐसे व्यूअर हैं जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मेक श्योर गाइज कि आप लोग अब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन को दबाकर ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो उसके अपडेट आप लोगों को मिल सके। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। गाइज, जैसा कि मैंने कहा कि आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपवर्क के ऊपर फ्री कनेक्ट विन करने की और अपवर्क की प्रोफाइल को कंप्लीट करने का, और उन सब चीज़ों को देखने के लिए हमारे को चलना पड़ेगा हमारी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो हम कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर जंप करेंगे, वहाँ पे मैं आप लोगों को पूरा प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊँगा, कैसे आप लोग वहाँ पे टेस्ट को क्वालिफाई करोगे, एक अपवर्क रेडीनेस टेस्ट है उसको क्वालिफाई करके आप कैसे फ्री में 40 कनेक्ट जीतोगे, साथ ही साथ कैसे आप अपनी प्रोफाइल को 100% कंप्लीट करोगे। प्रोफाइल को 100% कंप्लीट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और कनेक्ट की भी एक अपनी अहमियत है। तो अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी, तो आप लोगों को ये आइडिया होगा कि जॉब्स कैसे अप्लाई करते हैं, और जब जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं हम, तो कनेक्ट कुछ कनेक्ट यूज़ होते हैं। इसलिए अब जो फ्रेश मेंबर होगा, जो नया यूज़र होगा अपवर्क का, उसको क्या होता है कि मंथली सिर्फ 10 कनेक्ट मिलते हैं, एंड 10 कनेक्ट इज़ नॉट इनफ, उसमें आप लोग ज़्यादा जॉब्स के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। तो अगर आप लोग नए हो, तो आप लोगों के पास एक अच्छा मौका है 40 कनेक्ट फ्री में अर्न करने का, वो मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा। और जब आपके पास 40 कनेक्ट आएंगे, तो आप मतलब 5-6 जॉब्स के ऊपर, एटलीस्ट 5-10 जॉब्स के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हो, तो फिर वहाँ पे चांसेस भी ज़्यादा होंगे जॉब्स विन करने के लिए। तो कनेक्ट की अपनी इंपॉर्टेंस है। साथ में मैं आज की इस वीडियो में बात करूँगा प्रोफाइल को 100% कंप्लीट करने की, कि प्रोफाइल को 100% कंप्लीट करना क्यों जरूरी है। 100% प्रोफाइल को कंप्लीट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप सबसे पहले तो आप राइजिंग टैलेंट में जाओगे, तो जो इनका राइजिंग टैलेंट का प्रोग्राम है, ये उस बैच को लेने के लिए पहले तो आपकी प्रोफाइल 100% कंप्लीट होनी चाहिए। सेकंड चीज, इन केस फिर फ्यूचर में आप अगर टॉप रेटेड बनोगे कभी, क्योंकि टॉप रेटेड अगर आप रहोगे तो आपको काम ज़्यादा मिलेगा, इस
उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे, बट टॉप रेटेड और राइजिंग स्टार की जो राइजिंग टैलेंट की जो का जो बैच है के लिए, उसको लेने के लिए उसकी मेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है अपवर्क का, वो ये है कि आप लोगों को रेडीनेस टेस्ट भी पास करना पड़ता है, साथ ही साथ आप लोगों को की जो प्रोफाइल है वो 100% कंप्लीट होनी चाहिए। अब प्रोफाइल कंप्लीशन में बहुत से लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर अभी तो हम नए हैं, हमारे पास ना तो कुछ दिखाने के लिए कोई प्रोजेक्ट शो करने के लिए, ना ही हमारे पास कोई सर्टिफिकेशन है, तो हम कैसे ये प्रोफाइल को 100% कंप्लीट करेंगे। तो गाइज वो आज की इस वीडियो में मैं सारा प्रोसेस बताऊंगा, तो मेक श्योर कि आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें और कोई भी पॉइंट स्किप ना करें। अगर आप लोग स्किप कर जाओगे तो हो सकता है आप कोई वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन स्किप कर दो। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए गाइज चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और वहाँ पे पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखते हैं। गाइज हम कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ गए हैं। सबसे पहले आप लोगों को अपवर्क ओपन कर लेना है, जैसा कि मैं देख पा रहे हो आप यहाँ पे देख सकते हो आप। सबसे पहले ये मैंने अपवर्क ओपन कर लिया है, अपवर्क का इंटरफेस है काफ़ी चेंज हो चुका है अपवर्क का इंटरफेस। ये हमारा अपवर्क का पूरा इंटरफेस है, ऐसे ऐसे यहाँ पर जॉब्स पड़ी होती हैं, इन जॉब्स के ऊपर आपने अप्लाई करना होता है। ये देख पा रहे हो आप लोग मेरे पास अभी 33 अवेलेबल कनेक्ट हैं, 33 कनेक्ट हैं मेरे पास। तो हम क्या करेंगे, हम एक तो फ्री कनेक्ट लेंगे 40, वो आप लोगों को मैं पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा। और फिर ये देखिए मेरी जॉब्स की जो प्रोफाइल कंप्लीटनेस है वो दैट इज 80% है अभी, तो हम इसको भी 100% करेंगे विदाउट एडिंग एनी सर्टिफिकेशन और विदाउट एडिंग एनी पोर्टफोलियो, राइट। तो ये देख पा रहे हो आप प्रोफाइल कंप्लीट करेंगे, प्रोफाइल को हम 100% करेंगे, ये जो 80% है अभी इसको हम 100% करेंगे। साथ ही साथ जो मेरे पास 33 अवेलेबल कनेक्ट हैं, ये 33 कनेक्ट हैं जो, इनको हम करेंगे मतलब 40 में और ऐड हो जाएंगे। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ। तो सबसे पहले क्या है, ये जो कनेक्ट हैं ये हमारे कनेक्ट यूज़ होते हैं जॉब्स के ऊपर अप्लाई करने के लिए, मैंने पहले भी कहा। तो ये देखिए ये डिफरेंट बहुत सारी जॉब्स हैं यहाँ पे अवेलेबल, आप किसी भी जॉब्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे चेक करते हैं थोड़ा, मैंने ये पूरा प्रोसेस बताया था कि जॉब्स के ऊपर अप्लाई करने के लिए क्या क्राइटेरिया क्या हम चेक करते हो, पिछली वीडियो फॉलो कर लीजिएगा, उसमें आप लोगों को पता लग जाएगा। तो ये देखिए पेमेंट वेरीफाइड है, हम इस जॉब्स को ओपन करते हैं। जैसे ही हमने इस जॉब्स को ओपन किया, ये देखिए ये हो रही है अभी ओपन, अब ये जॉब्स ओपन हो चुकी है। तो इसमें देखिए जब आप सबमिट प्रपोजल करोगे ना, यहाँ पे सबमिट प्रपोजल करना, उसके लिए रिक्वायर्ड कनेक्टर कितने चाहिए, 6 कनेक्ट चाहिए हमारे को इस जॉब्स के ऊपर अप्लाई करने के लिए। हालांकि हम इसके ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे बिकॉज ये यूक्रेन के लिए है, ये मैंने पूरा प्रोसेस आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि हम क्यों नहीं देखेंगे इस जॉब्स को, वो आप लोग देख लेना। फिलहाल जो हम बात करेंगे वो कनेक्ट की बात करेंगे, 6 कनेक्ट लगेंगे इस जॉब्स के ऊपर अप्लाई करने के लिए, अगर आप इस जॉब्स के ऊपर अप्लाई करने के एलिजिबल होते हैं। तो अभी तो हमारे पास 33 कनेक्ट हैं, हम क्या करेंगे, जितने ज़्यादा हमारे पास कनेक्ट होंगे उतनी ज़्यादा जॉब्स के ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं और फिर उतना ज़्यादा चांस है कि हम कोई प्रोजेक्ट वहाँ पर विन कर सके। तो गाइस फिलहाल देखते हैं कि हम इन कनेक्ट को कैसे बढ़ा सकते हैं, राइट। तो इसके लिए चलना होगा हमें, ये देखिए 33 है अभी, इन 33 कनेक्ट में हम 40 ऐड करवाएंगे। तो उसके लिए मुझे जाना होगा ऊपर यहाँ पर, 80% है इसको भी हम कंप्लीट करेंगे अभी। तो इस चीज़ के लिए सबसे पहले हम चलते हैं इस पे, फाइंड वर्क पे आपने क्लिक करना है गाइज, और फाइंड वर्क के ऊपर क्लिक करने के बाद अपवर्क रेडीनेस टेस्ट पे जाइएगा। अब जब आप अपवर्क रेडीनेस टेस्ट पे जाओगे फाइंड वर्क पे क्लिक करने के बाद, तो आप लोगों को एक ऐसा जैसा इंटरफेस खुलेगा, ये इंटरफेस खुल रहा है अब, यहाँ पे बता रहा है चेक यू आर अप टू डेटेड अपवर्क बेस्ट प्रैक्टिस सेटिस्फाई सेफ, जो भी इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे। अब ये बोल रहा है 10 क्वेश्चन ऑफ द टेस्ट, 10 क्वेश्चन आएंगे आप लोगों को वो 10 क्वेश्चन पास करने हैं। अब ये बोल रहा है पासिंग द अपर रेडीनेस टेस्ट इज रिक्वायर्ड टू बी एलिजिबल फॉर राइजिंग टैलेंट प्रोग्राम, योर टेस्ट रिजल्ट विल नॉट बी डिस्प्लेड ऑन योर अपवर्क प्रोफाइल, आपकी अपवर्क के प्रोफाइल के ऊपर आपके अपवर्क का टेस्ट का रिजल्ट नहीं शो होगा। बट ये प्रोग्राम रेडीनेस टेस्ट को पास करना जरूरी है अगर आप लोगों को राइजिंग टैलेंट का बैच लेना है। तो इसको पास करने के लिए आप लोगों को स्टार्ट टेस्ट के ऊपर क्लिक करना है। जब आप स्टार्ट टेस्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो आप लोगों के पास देखो यहाँ पे 10 क्वेश्चन आएंगे जो आपने 10 मिनट में
पूरे फिल करने हैं क्वेश्चन, 10 मिनट में सबमिट करना है टेस्ट को, राइट। 10 मिनट का टाइम है आप लोगों के पास, 10 मिनट में आप लोगों ने ये टेस्ट क्वालिफाई करना है। तो सब आप यहाँ पे करोगे स्टार्ट टेस्ट के ऊपर क्लिक, स्टार्ट टेस्ट के ऊपर जैसे मैं क्लिक करूंगा मेरे पास क्वेश्चन खुल गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डज अपवर्क पेमेंट प्रोटेक्शन ऑन फिक्स प्राइस जॉब्स वर्क। फिक्स प्राइस जॉब्स के लिए अपवर्क की प्रोटेक्शन जो पॉलिसी है वो कैसे वर्क करती है। तो एक क्लाइंट को डिपॉजिट करना, क्लाइंट डिपॉजिट माइलस्टोन पेमेंट इन एस्क्रो, क्लाइंट को एस्कोर में, एस्कोर अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करवाने होते हैं, फिर वो तब हम शुरू कर सकते हैं। तो इस पर क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिएगा। गाइस ध्यान रखिएगा कि जो क्वेश्चन यही होते हैं इनके आंसर आप नोट कर लीजिएगा, फिर देना शुरू कर दीजिएगा चाहे तो। व्हाट डू यू नीड टू क्वालिफाई अपवर्क पेमेंट प्रोटेक्शन फॉर आवरली जॉब। आवरली जॉब के लिए आप लोगों के पास क्या क्या होना चाहिए, यू मस्ट हैव आवरली कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, यू मस्ट हैव अ क्लाइंट विद वेरीफाइड बिलिंग मेथड, यू मस्ट हैव अ लॉग, मस्ट हैव लॉग योर आवर अपवर्क डेस्कटॉप ऐप के साथ आवर लॉग करना चाहिए, यू मस्ट राइट द वर्क डायरी। वर्क डायरी के ऊपर आप लोगों ने लिखना होता है कि आप लोग क्या काम कर रहे हो, राइट। नंबर थर्ड क्वेश्चन है, टू प्रिवेंट फॉलिंग विक्टिम पेमेंट स्कैम विच टिप्स यू शुड फॉलो। स्कैम वगैरह से बचने के लिए आप लोगों को क्या चाहिए, तो इसका आंसर है कि कॉन्टैक्ट, देखिए पहला है ये नहीं होना चाहिए, शेयर नहीं करनी है बैंक इन्फॉर्मेशन, मेल चेक एक्सेप्ट नहीं करना, फिर ये है कॉन्टैक्ट अपवर्क कस्टमर व्हेन क्लाइंट ऑफर यू टू पे डायरेक्टली। हाँ, अगर क्लाइंट डायरेक्टली आपको ऑफर कर रहा है तो आप लोगों को अपवर्क को रिपोर्ट करना है, और कोई भी जॉब एक्सेप्ट नहीं करनी है जहाँ पे आप लोगों को मनी देना पड़े, राइट। तो इसका आंसर थर्ड था। अब ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब योर रिस्पॉन्सिवनेस स्कोर। रिस्पॉन्सिवनेस स्कोर को क्या चीज़ डिस्क्राइब करती है, याद रखिएगा ये दोनों, इसमें दोनों चेक करने हैं, इसमें रिस्पॉन्सिवनेस स्कोर में दोनों चेक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट योर जॉब सक्सेस स्कोर इज ट्रू। जॉब सक्सेस स्कोर में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, तो ये इसमें ये तीनों होनी है इसकी, ये तीनों आप लोगों ने सेलेक्ट कर देनी है, जॉब विल हायर अर्निंग मोर, ये आप लोगों ने तीनों सेलेक्ट कर लेने हैं जॉब सक्सेसिंग स्कोर के लिए। थर्ड फिर क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिस टू सबमिट विनिंग प्रपोजल। विनिंग प्रपोजल सबमिट करने के लिए कौन सा बेस्ट प्रैक्टिस है, एक तो आप लोगों को ग्रीटिंग लिखना पड़ेगा, पहला भी इसका है इसका आंसर, दूसरे पे भी टिक करना है आपने, तीसरे पे भी टिक करना है आपने, चौथे पे भी टिक करना है। सबमिट जॉब प्रपोजल के लिए याद रखना, इसमें चार आएंगे, पांचवा नहीं आएगा, कॉपी एंड पेस्ट नहीं करना है आपने, ये इसके चार होंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आइटम हेल्प यू टू क्रिएट 100% प्रोफाइल। 100% प्रोफाइल को कंप्लीट करने के लिए क्या क्या होना चाहिए, इसके लिए याद रखिएगा इसके सारे सबको टिक कर देना है आपने, जितने भी है चार ऑप्शन है चारों के चारों टिक करने हैं आपने। ये देखिए इंग्लिश, योर टॉप स्किल भी होना चाहिए, पोर्टफोलियो भी होना चाहिए, चारों होने चाहिए, चारों स्किल आपने टिक कर देना है। विच आर द रिक्वायरमेंट टू अचीव टॉप रेटेड फ्रीलांसर स्टेटस। टॉप रेटेड फ्रीलांसर स्टेटस अर्न करने के लिए आप लोगों के पास क्या होना चाहिए, इसके भी सारे ही होंगे शायद, देखिए जॉब सक्सेस 90% होना चाहिए, लास्ट एक साल में $1,000 अर्न किए होने चाहिए, 100% प्रोफाइल कंप्लीट होनी चाहिए, अप टू डेट होना चाहिए अवेलेबिलिटी स्टेटस, पास्ट इंटरव्यू पास करना पड़ता है, फिर कोई अकाउंट होल्ड नहीं होना चाहिए, इसको भी आपने चारों को क्लिक कर लेना है, सब कंटिन्यू कर देना। नाइन्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्टार्टिंग अ वर्क ऑन अपवर्क इज ट्रू। इसमें सेकंड आएगा कि जब आप लोगों को एक क्लाइंट ऑफर सेंड करेगा तो इसमें सेकंड आएगा। अब जो लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अपवर्क टर्म सर्विस आर ट्रू। अपवर्क टर्म की सर्विसेज में कौन कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, तो इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसमें पहले फर्स्ट थ्री आएंगे, इसके तीन ऑप्शन है, ये तीनों इसके टिक करने हैं, लास्ट का आप लोगों ने टिक नहीं करना है, और उसके बाद ये मतलब आप लोगों ने शेयर नहीं करना है अपना किसी के साथ अपवर्क का पासवर्ड, कंटिन्यू कर लीजिए। और ये देखिए मेरा जो स्कोर है 4.5 आ गया है, मतलब मेरा कोई एक क्वेश्चन गलत हुआ होगा शायद कहीं पे, तो अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये देखिए 73 आ गया मेरे पास कनेक्ट, मतलब मैंने 40 पहले 33 थे, अब ये 73 हो गया, मतलब मैं 40 कनेक्ट अर्न कर चुका हूँ, राइट। अब नेक्स्ट चीज़ जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे प्रोफाइल को कंप्लीट करने की। अब चलते हैं इसमें, देखिए प्रोफाइल कंप्लीटनेस में अगर मैं क्लिक करूँगा, ऐड सर्टिफिकेशन का बटन बोल रहा है यहाँ पे, ऐड पे जब मैं क्लिक करूँगा तो ये मुझे एक नेक्स्ट पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा। ये देखिए ये वाला पेज खुला है, यहाँ पे बोल रहा है कि सर्टिफिकेट ऐड करो। बट गाइज होता क्या है कि जितने भी ये जो इसमें सर्टिफिकेट लिस्टेड है ना, ये इसमें आप लोग कोई झोल नहीं कर सकते, इसमें आप लोग कोई फ्रॉड ऐड नहीं कर सकते, बिकॉज अपवर्क इन सर्टिफिकेशन प्रोवाइडर के साथ कॉन्टैक्ट करता है।
तो अब क्वेश्चन आता है कि हम अपनी प्रोफाइल को 100% कैसे कंप्लीट करें विदाउट एडिंग सर्टिफिकेशन। सर्टिफिकेशन के 5% होती है अगर आप सर्टिफिकेशन ऐड करो, फिर 5% आपकी तब होती है जब आप कोई पोर्टफोलियो ऐड करो इसमें, तो 5% और अप होगी। और वैसे ही जब आप लोग कोई टेस्टिमोनियल ऐड करोगे तो उसके लिए भी आप लोगों की 5% और इंक्रीज होगी जॉब कंप्लीटनेस, जो अभी 80 थी हमारी। तो इसमें होता क्या है, अब आप अगर नए होंगे तो आप लोगों के पास ना तो कोई सर्टिफिकेशन है, ठीक है, ना ही आप लोगों के पास कोई पोर्टफोलियो दिखाने के लिए, ना ही कोई क्लाइंट है जिसको आप बोलकर टेस्टिमोनियल यहाँ पे ऐड कर सको। तो फिर प्रोफाइल की कंप्लीट, प्रोफाइल को 100% कैसे कंप्लीट किया जाए, राइट। ये टेस्टिमोनियल सर्टिफिकेशन की जो ये बात है, ये मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा कि कैसे हम इसको ऐड करेंगे। अभी हम सिर्फ प्रोफाइल को 100% कंप्लीट करेंगे और फिर बाद में इसको पोर्टफोलियो वगैरह को ऐड करेंगे। गाइस, पोर्टफोलियो वगैरह ऐड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम धीरे धीरे करेंगे, बिकॉज उस एक इंप्रेसिव सी प्रोफाइल बन जाती है हमारी। फिर पोर्टफोलियो को वैसे प्लस के ऊपर क्लिक करना, पोर्टफोलियो ऐड कर सकते हो अगर आप लोगों के पास कोई प्रोजेक्ट है दिखाने के लिए। अगर नहीं है तो हम प्रोफाइल को कैसे कंप्लीट 100% करेंगे, हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोगों ने 2-3 एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री डालनी है, 3 जगह का आपने वर्क एक्सपीरियंस डालना है। और इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आप लोग यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत फर्जीवाड़ा भी कर दो, थोड़ा बहुत फ्रॉड भी भर दो, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया प्लस के ऊपर, सिंपल आपने प्लस के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे खुल जाएगा आप लोगों के पास, यहाँ पे मैं ये इंटरफेस खुलेगा। इस इंटरफेस में आप लोगों ने ऐड कर सकते हो, जैसे कंपनी, कंपनी का नाम आप कुछ भी डाल दो यहाँ पे, मैंने फिलहाल भारत यूनिवर्सिटी डाल दिया है, बट आप लोग कुछ भी डाल दोगे तो चल पड़ेगा ये यहाँ पे, ठीक है। सिटी आप जो मर्जी डाल दो, सोलन मतलब जिस सिटी में आप रहते हो, कंट्री आप अपनी कंट्री डाल देना, जिस जो भी आपकी कंट्री है, मैं इंडिया डाल देता हूँ। टाइटल आप यहाँ पे कुछ भी दे दो, जैसे मैं यहाँ पे वेब डेवलपर का दे रहा हूँ, ठीक है, आप टाइटल यहाँ पे कुछ रेलेवेंट सा टाइटल दे दो, ग्राफिक डिजाइनर कुछ भी दे दो, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपके। भी पीरियड यहाँ पे आपको ऐड करना पड़ेगा कि कितने से कितने आपने किया था, ये आप लोग कुछ भी कर सकते हो, एक साल का दिखा दो, एक ईयर का दिखा दो, कितना भी, तो आप लोग यहाँ पे, पर ये ऐसा बनाना कि मतलब थोड़ा आपके टोटल वर्क एक्सपीरियंस के साथ मैच कर जाए, तो मैं इसको इस तरह का बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी आप लोग डिस्क्रिप्शन ऐड कर देना, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया फरवरी से मार्च तक मैंने काम किया 2019 से 2020 तक। आप यहाँ पे थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिख दो कि मैंने वेब डेवलपमेंट वेबसाइट डेवलप की, कुछ भी लिख देना आप यहाँ पे थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन सी बना के, राइट। और डिस्क्रिप्शन बनाने के बाद आप यहाँ पे लिख देते हैं हम, ठीक है, और मैंने इस पार्ट को स्किप कर दिया है। डिस्क्रिप्शन बना देना आप और उसके बाद सेव कर देना, जैसे ही आप यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक कर देना, यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक करोगे तो फिर हम दोबारा जाएंगे देखने। ये देखिए दो एम्प्लॉयमेंटें आ गई हमारी, एक 2018 से 19 तक मैंने यहाँ काम किया, फिर 19 से 20 तक यहाँ पे काम किया। अब ये 80 थी, तो अब देखते हैं कि अब कितनी होगी। तो गाइस ये देखिए आप 90 होगी हुई है। अब हम एक और एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री ऐड करेंगे और फिर ये 100 हो जाएगी और फिर हमारे को ये नहीं बोलेगा कि आप यहाँ पे ऐड करो, राइट। तो 90 होगी हुई है यहाँ पे। अब हम फिर दोबारा जाते हैं वहाँ पे, वैसे ही यहाँ पे प्लस पे क्लिक करते हैं ऐड करने के लिए, वैसे वही प्रोसेस, यहाँ पे फिर से कंपनी का नाम आ जाएगा, कुछ भी डाल दो, मैं कुछ भी डाल देता हूँ यहाँ पे, मैं वशिष्ठ टेकटॉक की डाल देता हूँ। यहाँ पे आप कंपनी का नाम डाल दीजिए, कंपनी का नाम डालने के बाद यहाँ पे सिटी आ जाएगी आपकी कि कौन सी सिटी में है, अपनी सिटी डाल दीजिएगा। कंट्री आ जाएगी, वही सेम प्रोसेस, कंट्री आप यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा। कंट्री ऐड करने के बाद यहाँ पे टाइटल कुछ भी टाइटल बना दीजिएगा जॉब्स का, जो आप मतलब दिखाना चाहो इसमें, मतलब आप कुछ भी लिख दो, कोई आप लोगों को दिखा, मतलब ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी इसमें। इसमें जैसे मैं इसको वीडियो एडिटर एंड गूगल एड्स एक्सपर्ट कर देते हैं इसको, मतलब ये आप लोग बना लेना अपने हिसाब से। गूगल एडिटर, ओके, इसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे कब से कब पे मैं डाल देता हूँ ये, इसको ना इसका हिसाब रखिएगा बस, कि ये जो जॉब की हिस्ट्री है, ऐसा ना हो कि आप लोग पिछली कंपनी में भी सेम उसमें हो, तो मतलब थोड़ा इसका ध्यान रखिएगा कि ये आप लोग जो जॉब की हिस्ट्री है ये अपने हिसाब से बनाएं, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बनाएं, जो आपके पास टोटल एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से, और सही सही डालें कि अगर आप फरवरी से मार्च तक वहाँ पे थे तो अप्रैल या मई के बाद आप लोग यहाँ पे आ गए, इस नेक्स्ट कंपनी में आ गए, मतलब एक इसका एक हिसाब बनाना, इसको बोलने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है मेरी, ठीक है। तो इसमें आप यहाँ पे थोड़ी फिर से वही डिस्क्रिप्शन डाल दीजिएगा, थोड़ी बहुत ही जो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे फिर से आप डिस्क्रिप्शन डाल दीजिएगा, जो थोड़ी बहुत ही डिस्क्रिप्शन होगी, ठीक है। और ये डिस्क्रिप्शन डालने के बाद इसको फिर से सेव कर दीजिएगा, अगेन सेव। और जब ये देखिए आप लोग, तीन मेरी जॉब हिस्ट्री आ गई, और अब हम चलते हैं अपनी प्रोफाइल को देखने। ये 90 थी ना गाइस, तो अब देखते हैं कितनी हुई।
ये देखिए यहाँ से अभी गायब हो गया, दैट मीन्स ये 100% हो चुकी है हमारी जॉब की, जो जॉब प्रोफाइल, जो हमारी जो प्रोफाइल है वो हमारी 100% कंप्लीट हो चुकी हुई है। राइट, अब हमारे पास कोई मैसेज नहीं आएगा, ये हमने एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री ऐड करी थी। बाकी जो इसमें पोर्टफोलियो वगैरह ऐड करने का प्रोसेस है वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। अभी देखिए ये बोल नहीं रहा है कुछ भी पोर्टफोलियो वगैरह ऐड करने के लिए, बट वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि पोर्टफोलियो कैसे क्रिएट किया जा, कैसे ऐड किया जाता है, टेस्टिमोनियल कैसे ऐड किए जाते हैं हमारे, वो सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। तो गाइज आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने किस तरीके से अपनी प्रोफाइल को 100% कंप्लीट किया और कैसे हमने वहाँ पर 40 कनेक्ट अर्न किए। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि कैसे आप लोग बिड्स करोगे, कैसे आप लोग जॉब्स के ऊपर अप्लाई करोगे, कैसे आप वहाँ पर प्रोजेक्ट विन कर सकते हो, कैसे हम टेस्टिमोनियल ऐड करेंगे, कैसे हम पोर्टफोलियो ऐड करेंगे, वो सारा प्रोसेस मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में लेके दिखाऊंगा। अगली आने वाली वीडियो में आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप गाइड करता रहूंगा। तो गाइज आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, एंड आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, आप लोगों को वीडियो समझ आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, वीडियो में सारे पॉइंट क्लियर हो गए हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप लोगों का कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो आप लोगों के, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डायरेक्ट पूछ सकते हैं, या फिर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ पे भी आप लोगों को क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करता हूँ। साथ ही साथ गाइज मैं सोच रहा हूँ कि मैं आप लोगों को कुछ फ्री सॉफ्टवेयर बताऊँ जो आप लोगों को ऑनलाइन अर्निंग में हेल्प करेंगे, कुछ कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करना, उनके ऊपर कैसे वर्क किया जाता है वो सिखाऊं। फिलहाल मैंने दो सॉफ्टवेयर सोच रखे हैं एट प्रेजेंट, एक तो है आपका ग्राफिक डिज़ाइनिंग का और एनिमेशन का। कुछ मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मैं आप लोगों को ये वर्क सिखाऊं कि कैसे आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग और एनिमेशन कर सकते हो। ये दोनों फील्ड है आप लोगों को इन फ्यूचर बहुत हेल्प करेगी अर्निंग, ऑनलाइन अर्निंग में, फ्रीलांसिंग कैरियर में आप लोगों को। अगर आप लोग ग्राफिक डिज़ाइनिंग, एनिमेशन किसी एक टॉपिक पे इंटरेस्टेड होते हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कौन से स्किल में इंटरेस्टेड हो, कौन सा स्किल में, किस स्किल के बारे में मैं आप लोगों को बताना शुरू करूँ, किस चीज़ में आप लोग इंटरेस्टेड हो, किसके बारे में आप सीखना चाहते हो। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो ग्राफिक डिजाइनिंग, एनिमेशन किसी एक में भी इंटरेस्टेड हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में पर्टिकुलर स्किल लिख के बताइएगा, फिर मैं उसमें एनालाइज करूंगा कि कितने लोग इंटरेस्टेड है, और फिर मैं जल्द ही आप लोगों को एक कोर्स की सीरीज शुरू करूंगा। एंड गाइस आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।